फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10th क्लास गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस चैप्टर नंबर 10। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि इंसानों के अंदर गैसों का तबादला जो होता है वो कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसानों के अंदर ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिसके जरिए से उनके अंदर गैसेस का तबादला होता है। तो स्टूडेंट्स, इंसानों के अंदर टू मेन प्रोसेसेस के जरिए से गैसों का तबादला होता है। नंबर वन पे जो इंसानों के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो मैकेनिज्म आता है, जो प्रोसेस आता है, उसका नाम है एयर पैसेज वे। एंड सेकेंड नंबर पे जो दूसरा मेन ऑर्गन है जो इसके अंदर हिस्सा लेता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ताल्लुक रखता है और गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के अंदर शामिल है, तो स्टूडेंट्स वो है लंग्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारा टॉपिक 10.2.1 द एयर पैसेज वे। तो आज हम स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं एयर पैसेज वे के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एयर पैसेज वे के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एयर पैसेज वे। आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 6 के ऊपर स्टूडेंट्स ये टॉपिक मौजूद है, वहां से आप सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद वहां से इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एयर पैसेज वे। स्टूडेंट्स, एयर पैसेज वे एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए से हमारी बॉडी के अंदर जो हम गैस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं वो कहाँ पे जाती है और कहाँ से होती हुई कहाँ पे उनका गैसेस का तबादला होता है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एज ए रॉ मटेरियल बनती है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एयर पैसेज वे के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर मूव करती है, कौन कौन से पार्ट्स के अंदर मूव करती है। तो स्टूडेंट्स, उसका हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, एक डेवलप्ड और मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे माउथ से शुरू होता है और माउथ से लेके हमारी बॉडी के अंदर हमारे लंग्स तक फैला होता है। तो स्टूडेंट्स, उस मेन प्रोसेस को, उस मेन सिस्टम को, उस मेन डेवलप मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एयर पैसेज वे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पैसेज वे के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में कि एयर पैसेज वे के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, एयर पैसेज वे के अंदर जो पहला पार्ट है वो स्टूडेंट्स सबसे पहले आता है हमारा माउथ। हमारे माउथ के अंदर स्टूडेंट्स नेजल कैविटी मौजूद होती है। तो हम बात करने जा रहे हैं इसके मेन पार्ट्स के बारे में स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो इसका मेन पार्ट है स्टूडेंट्स वो है हमारे माउथ के अंदर हमारी नेजल कैविटी। तो स्टूडेंट्स, आप सारे स्टूडेंट्स अपनी बुक से इसको देख सकते हैं व्हाट इज नेजल कैविटी, नेजल कैविटी क्या चीज होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे नाक के अंदर मौजूद जो कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं नेजल कैविटी। तो स्टूडेंट्स, नेजल कैविटी के अंदर हमारा जो नाक होता है वहां पे स्टूडेंट्स दो तरह की ओपनिंग होती हैं। उन ओपनिंग्स को बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे है। आप सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी बॉडी के अंदर देख सकते हैं इसको अपने नॉस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, नेजल कैविटी के अंदर जो क्या चीज होती है, नॉस्ट्रिल्स मौजूद होते हैं। उन नॉस्ट्रिल्स के जरिए से क्या होता है, जितनी भी किस्म की गैस होती है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो गैस होती है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन गैस जो है वो इन नॉस्ट्रिल्स के जरिए से हमारे नाक के अंदर एंटर होती है और इन नॉस्ट्रिल से होते हुए आगे कहाँ तक जाती है, नॉस्ट्रिल से होते हुए आगे हमारी बॉडी के अंदर ये गैस मजीद आगे मूव करती है। वो आगे उसका सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर वो मूव करती है। उसका सेकेंड पार्ट जो है उसका नाम है स्टूडेंट्स टेरेंक्स। तो हम बात करेंगे कि नेजल कैविटी के बारे में मजीद डिस्कशन करेंगे कि नेजल कैविटी क्या चीज है, उसके अंदर से कैसी ऑक्सीजन गैस मूव करती है। तो नेजल कैविटी के अंदर मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, नेजल कैविटी के टू मेन पोर्शंस होते हैं। दो मेन पोर्शंस में नेजल कैविटी को डिवाइड किया गया है। जो पहला पोर्शन है उसका नाम है म्यूकस। नंबर वन पे हमारी नेजल कैविटी के अंदर होता है म्यूकस और सेकेंड नंबर पे उसके अंदर मौजूद होते हैं कुछ हेयर्स।
तो स्टूडेंट्स ये म्यूकस और हेयर हमारे नाक के अंदर हमारी नॉस्ट्रिल्स के अंदर मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूकस का क्या काम होता है। तो म्यूकस होता क्या है? तो हमारे नाक के अंदर मौजूद जो लिक्विड मटेरियल होता है, जो गीला मटेरियल पानी जैसा मटेरियल मौजूद होता है, उसे हम बोलते हैं म्यूकस। तो म्यूकस का काम होता है जितनी भी किस्म की गैस, चाहे वो खुश्क गैस हो या गीली गैस हो, जिस तरह की भी गैस हो, उसका जो सबसे पहले टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसके बैलेंस को मेंटेन करना। तो म्यूकस का काम जो होता है वो हमारे जितनी भी किस्म की गैस, ऑक्सीजन गैस हम अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, उसको वो मेंटेन करती है। सेकंड नंबर पे जो हमारे नाक के अंदर हमारी नॉस्ट्रिल्स के अंदर एयर्स मौजूद होते हैं, उनका क्या काम होता है? तो जितनी भी किस्म की ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है, तो उन एयर्स का काम होता है उन डस्ट, उस ऑक्सीजन गैस के अंदर, हवा के अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करना। तो वो जो हेयर्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को हमारे नाक से हमारे आगे सांस वाली नाली के अंदर आगे नहीं जाने देते, उनको आगे जाने से, मजीद आगे जाने से रोकते हैं। आगे ट्रेकिया के अंदर और लंग्स के अंदर जाने से डस्ट पार्टिकल्स को, जो नाक के अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं, वो उनको रोकते हैं। तो ये टू मेन फंक्शंस होते हैं, टू मेन पोर्शंस हैं, और इनके जो मेन फंक्शंस हैं मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेजल कैविटी से नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसका नाम है फेरेंक्स। तो हम बात करेंगे कि फेरेंक्स क्या होता है। नेजल कैविटी से नेक्स्ट जो पोर्शन है उसका नाम है फेरेंक्स। अब सारे स्टूडेंट्स को पता है हमारे माउथ के अंदर मौजूद ओरल कैविटी प्रेजेंट होती है। हमारे माउथ के अंदर ओरल कैविटी कहाँ पे मौजूद होती है? सारे स्टूडेंट्स इस डायग्राम को देख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो सारा पोर्शन है, इसके अंदर नेजल ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों मौजूद होती हैं। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर वाला जो नाक के साथ जो पोर्शन जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी, और उससे बिल्कुल नीचे अगर हम देखें जहां पे हमारी जुबान होती है वहां पे मौजूद होती है ओरल कैविटी। तो ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों की एक सेम ओपनिंग होती है, दोनों एक सेम पोर्शन के अंदर लाइज करती है, दोनों एक सेम पोर्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कौन सा ऐसा पोर्शन? तो स्टूडेंट्स हम ये बोलेंगे कि जो फेरेंक्स है वो एक मस्कुलर पैसेज है, एक मसल का बना हुआ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैलीनुमा हिस्सा होता है जो कि कॉमन होता है बोथ फूड एंड एयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये जो नेजल कैविटी है, यहाँ से स्टूडेंट्स एयर जो होती है ये एयर के लिए भी कॉमन होता है, और सेकेंड नंबर पे ये जो ओरल कैविटी है यहाँ से ये फूड के लिए भी कॉमन होता है। तो ये एयर और फूड दोनों कहाँ से गुजर के जाती हैं? इस फेरेंक्स पोर्शन से गुजर के जाती हैं। यहाँ पे ये फेरेंक्स पोर्शन डरा दिया है मैंने, आप सारे स्टूडेंट्स अपनी बुक से ऊपर, बुक के ऊपर मौजूद डायग्राम से भी इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो फेरेंक्स होता है मैंने अभी आपको बताया, ये मस्कुलर पैसेज है टू बोथ फूड एंड एयर, और नेजल कैविटी से ये नेक्स्ट पार्ट होता है। कहने की बात ये है कि जितनी भी किस्म की ऑक्सीजन गैस हम अपने माउथ के अंदर लेके जाते हैं वो नेजल कैविटी से आगे मूव करती है फेरेंक्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट फेरेंक्स के आगे जो नेक्स्ट पार्ट अटैच्ड होता है उसका नाम है लेरेंक्स। फेरेंक्स से आगे नेक्स्ट पार्ट जो होता है उसका जो अटैच्ड पार्ट है उसका नाम होता है लेरेंक्स। सबसे पहले बात करेंगे लेरेंक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि लेरेंक्स क्या चीज है। लेरेंक्स इज अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, एक बॉक्स होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो बॉक्स है, कार्टिलेज बॉक्स है, इसके अंदर और मजीद क्या क्या चीजें होती हैं अभी हम डायग्राम से भी देखेंगे कि लेरेंक्स कहाँ पे मौजूद होता है। आप सारे स्टूडेंट्स अपनी बुक से भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे मौजूद पेरेंट्स, और पेरेंट्स से बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, जिसके अंदर एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस मौजूद होता है, उसको हम बोलते हैं लेरेंक्स। तो ये वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं लेरेंक्स।
ये स्टूडेंट्स ये पोर्शन पेरेंट्स से आगे एक्सटेंड होता है लेरेंस तक, मतलब पेरेंट्स से आगे जो पोर्शन होता है, जो आगे जो चलता आ रहा पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं लेरेंस। तो ये लेरेंस जो होता है इसके अंदर आगे मजीद टू मेन पोर्शंस होते हैं, इसके अंदर दो और पोर्शन होते हैं। वो कौन कौन से पोर्शन होते हैं आपकी बुक के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। नंबर वन पे है ग्लॉटिस, नंबर टू पे है एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस स्टूडेंट्स ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। तो वहां पे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे ऐसे कि जो ग्लॉटिस है, व्हाट इज ग्लॉटिस। तो स्टूडेंट्स ग्लॉटिस जो है वो ओपनिंग होती है, किसकी ओपनिंग स्टूडेंट्स, ये एसोफेगस हमारे गले के अंदर मौजूद एक खुराक की नाली होती है और एक सांस की नाली होती है। तो स्टूडेंट्स जो खुराक की नाली होती है, जो फूड पाइप जिसे हम बोलेंगे, वो स्टूडेंट्स होता है एसोफेगस, और जो सांस की नाली होती है उसे हम बोलते हैं ट्रेकिया और वाइंड पाइप। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो खुराक की नाली है, जो उसकी जो ओपनिंग है स्टूडेंट्स, तो उसकी जो ये खुराक की नाली एसोफेगस की जो ओपनिंग है, ये स्टूडेंट्स लेरेंस के अंदर मौजूद होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। जितनी भी जिसम की आने वाली ऑक्सीजन गैस है वो सबसे पहले नेजल कैविटी से एंटर होती है, नेजल कैविटी से एंटर होते हुए कहां पे आएगी पेरेंक्स के अंदर, और पेरेंक्स से होती हुई आएगी ग्लॉटिस के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ ग्लॉटिस। तो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है जिसको उसने कवर किया होता है। ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन नमा साफ होती है, एक ढक्कन नमा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप ऑफ टिश्यू बना होता है जिसने ग्लॉटिस को कवर किया होता है, और जो ग्लॉटिस को ओपन और क्लोज करता है उसका नेम है स्टूडेंट्स एपिग्लॉटिस। आपकी बुक के अंदर साइड पे बैच में करके ये डेफिनेशन लिखी हुई है व्हाट इज एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का एक और मेन फंक्शन होता है, वो क्या काम करता है एपिग्लॉटिस, जब भी हम अपनी बॉडी के अंदर क्या काम कर रहे होते हैं, स्वेलिंग एक्शन कर रहे होते हैं, खुराक खा रहे होते हैं, तो क्या काम होता है आपने 9th क्लास में 8th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम खुराक खा रहे होते हैं तो वो खुराक जो होती है वो सीधा खुराक वाली नाली में ही जाती है, बल्कि इसके वो सांस वाली नाली में जाए, तो वो कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर यही मेन फंक्शन, यही मेन एपिग्लॉटिस का फंक्शन बताया गया है कि जब हम खुराक खा रहे होते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये सांस की नाली के ऊपर मौजूद होता है, ये सांस की नाली को क्लोज कर देता है, जिससे खुराक जो होती है वो सीधा कहाँ जाती है एसोफेगस के अंदर, खुराक वाली नाली के अंदर जाती है। और जब हम खुराक नहीं खा रहे होते तो ये वाला जो फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है एपिग्लॉटिस होता है स्टूडेंट्स, ये ओपन होता है और हम आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे होते हैं अपनी बॉडी से रेस्पायर कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मजीद हम बात करेंगे लेरेंस के अंदर और क्या क्या चीज मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स लेरेंस के अंदर मौजूद होता है एक वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, वॉइस बॉक्स क्या होता है हम बात करेंगे इसकी। ये वाला जो पोर्शन है लेरेंस, ये वाला लेरेंस का पोर्शन हमारे गले के करीब मौजूद होता है, हमारी नेक रीजन के अंदर मौजूद होता है, और यहाँ पे मौजूद होता है स्टूडेंट्स वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वॉइस बॉक्स इज प्रेजेंट बिटवीन पेरेंट्स एंड ट्रेकिया, पेरेंट्स लेरेंस एंड इन द बिटवीन ऑफ ट्रेकिया, इन तीनों के दरमियान में वॉइस बॉक्स मौजूद होता है। वॉइस बॉक्स के अंदर कुछ वोकल कॉर्ड्स पेयर ऑफ फिब्रस बैंड्स मौजूद होते हैं, वो जो फिब्रस बैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स उनको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। आप सारे स्टूडेंट्स अपनी गर्दन के राइट और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे अगर हाथ रखेंगे और अगर आप कोई ना कोई वर्ड बोलेंगे तो यहाँ से आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। तो जो ये जो वाइब्रेशन महसूस होती है यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं फिब्रस बैंड्स, तो इन फिब्रस बैंड्स को हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। इन वोकल कॉर्ड्स का काम क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, वो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे है
हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सारे स्टूडेंट सुन लें, आपकी बुक के अंदर भी मेंशन किया गया है, लिखा गया है, वहां से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए से आवाज पैदा होती है, हम कैसे बोल पाते हैं। तो स्टूडेंट, जितनी भी किस्म की ऑक्सीजन गैस जो है वो जब हमारी बॉडी के अंदर नाक के रस से एंटर होती है और जब हमारे गले वाले रीजन में आती है तो वो सबसे पहले आती है वॉइस बॉक्स के अंदर। वॉइस बॉक्स से होती हुई वो जाती है वोकल कॉर्ड्स के अंदर, और वोकल कॉर्ड्स के अंदर फिब्रस बैंड मौजूद होते हैं। जब वो हवा वहां से गुजरती है तो वो वाइब्रेशन पैदा करती है वहां पर। तो वो जो वाइब्रेशन होती है स्टूडेंट, उस वाइब्रेशन के पैदा होने से हम क्या करते हैं, हम बोल पाते हैं। तो वहां से उस वाइब्रेशन के नतीजे में स्टूडेंट्स साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट, स्पीच ऐसी एक एबिलिटी है जो कि इंसानों को दी गई है, जिसकी निस्बत पे जो जितने भी किस्म के इंसान है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है। वो किस तरह से, स्पीच स्टूडेंट्स, स्पीच एक ऐसी हमारी बॉडी के अंदर हमारे माउथ, हमारे चीक्स, हमारी टंग और इस तरह हमारे जो जबड़े होते हैं, जॉज होते हैं, उनकी ऐसी मूवमेंट है जिसके जरिए से हम अपनी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पोस्टर्स के अंदर और मुख्तलिफ वेज के अंदर हम अपना अपनी बॉडी से बोलते हैं, हम अपना अंदाज करते हैं और कलाम करते हैं अपने मुंह से। तो स्टूडेंट्स, इस एबिलिटी को हम बोलते हैं स्पीच। तो ये एबिलिटी जो है इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है और खुदा की तरफ से एक नेमत करार दी जाती है। तो ये आपकी बुक के अंदर साइड में पैच के अंदर स्पीच के बारे में भी डिस्कस किया गया है, वहां से आप सारे स्टूडेंट्स इसको देखेंगे और वहां से सारे स्टूडेंट्स इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे एयर पैसेज वे का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसका नाम है स्टूडेंट्स ट्रेकिया। व्हाट इज ट्रेकिया, मेन जो ऑर्गन है, मेन जो स्टूडेंट पार्ट है, अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेकिया। सबसे पहले आप सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ट्रेकिया, हमारी बॉडी के अंदर हमारे गले के अंदर जो सांस वाली नाली होती है, जिसके अंदर से गैस गुजर के आगे फेफड़ों तक जाती है, सांस वाली नाली जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेकिया है इसका सेकेंड नाम मैंने अभी आपको बताया है, सेकेंड नाम है नेम विंड पाइप है, और ये हमारी बॉडी के अंदर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड होती है, जो कि फैली होती है कहां तक, जो कि स्टूडेंट्स एक्सटेंड होती है टू आवर लंग्स, हमारे फेफड़ों तक एक्सटेंड होती है। सारे स्टूडेंट्स अगर डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो लेरेंस के फौरन बाद जो पोर्शन शुरू होता है वो यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे मौजूद है। एक तो स्टूडेंट्स ये जो है, ये वाली जो नाली है इसको हम बोलते हैं एसोफेगस, और दूसरी जो नाली होती है वो जो सांस की नाली होती है स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं ट्रेकिया, और ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे गले से शुरू होती है, तो एपिग्लॉटिस से शुरू होती है और हमारे लंग्स तक फैली होती है, और स्टूडेंट्स हमारे लंग्स के अंदर ये जो ट्रेकिया होती है मजीद आगे जाके और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, वो इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रेकिया होता है इसके अंदर आप अगर अपनी बुक के अंदर डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे कुछ सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स नजर आएंगे आपको, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होते हैं ये स्टूडेंट्स पूरी की पूरी ट्रेकिया के अंदर मौजूद होते हैं, और इनका मेन फंक्शन, इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि ट्रेकिया जो सांस की नाली है वो उसको कोलैप्स होने से ये रोकती है। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स उनको आपस में मिलने नहीं देती, उनकी दीवारों को, ट्रेकिया की दीवारों को आपस में मिलने नहीं देती। अगर ये दीवारें खुदा ना खास्ता आपस में मिल जाएं तो सांस बंद होने का खतरा पैदा होता है। तो स्टूडेंट्स ये है ट्रेकिया, और इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है उसका नाम है स्टूडेंट्स ब्रोंकाई। स्टूडेंट्स ट्रेकिया का जो नेजल कैविटी से आगे उसका नेक्स्ट पार्ट, ट्रेकिया से नेक्स्ट पार्ट जो ट्रेकिया जो होता है वो आगे मजीद लंग्स के अंदर जाके टू मेन पोर्शंस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं।
जब वो टू मेन पोर्शन के अंदर डिवाइड हो जाएगा तो वो एक लेफ्ट लंग्स में चला जाएगा और दूसरा राइट लंग में चला जाएगा। तो इनकी ये लॉब्स यहाँ पे बनी है, तो इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। आप यहाँ पे डायग्राम ये पाइप लाइक ट्यूब्स देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन पाइप लाइक ट्यूब्स के अंदर भी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जो ब्रोंकाई। ट्रेकिया अभी मैंने आपको बताया आगे जाके डिवाइड होता है इसके अंदर टू स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर। वो जो टू स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये जो टू स्मॉलर ट्यूब्स ब्रोंकाई हैं इनके अंदर भी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं इनका काम भी जो ट्रेकिया के अंदर होता है वही इनका काम इसके अंदर भी यही होता है, उसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये जो ब्रोंकाई होती है आगे हम लंग्स के अंदर देखें तो ये और आगे जितनी ज्यादा नैरो होती जाएंगी उतनी ज्यादा ये आगे मजीद सेवरल फाइन ट्यूब्यूल्स छोटी छोटी नालियों में छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो वो जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती है उनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। दोनों लंग्स के अंदर ऐसे ही आप देख सकते हैं ये ब्रोंकियोल्स मौजूद होती हैं, ये ब्रोंकियोल्स बनी होती हैं और ये बहुत ज्यादा नैरो हो जाती हैं और यहाँ पे आके इनके अंदर क्या होता है कि कार्टिलेज मौजूद नहीं होता, दे लूज कार्टिलेज। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ये जो ब्रोंकियोल्स होती हैं, ब्रोंकियोल्स आगे नेक्स्ट इससे आगे किसके साथ कनेक्टेड हो जाती हैं, ये आगे एल्वियोलर डक्ट्स के साथ मैप हो जाती है। व्हाट आर एल्वियोलर डक्ट्स? अब हम बात करेंगे एल्वियोलर डक्ट्स की। ये जो एल्वियोलर डक्ट है यहाँ पे कुछ सेवरल ब्रोंकियोल्स का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। आप यहाँ पे सेवरल ब्रोंकियोल्स का क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे इसकी डायग्राम बनी है, ये एक एल्वियोलर डक्ट है। एक एल्वियोलर जो डक्ट होती है स्टूडेंट्स वो कुछ फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं और इनके अंदर क्लस्टर ऑफ पाउचेस मौजूद होते हैं। व्हाट आर क्लस्टर ऑफ पाउचेस, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्लस्टर ऑफ पाउचेस होते हैं जिसके अंदर ये एल्वियोलर डक्ट्स डिवाइड होती हैं उनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एयर पैसेजवे का, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई जो है ये क्या काम करती हैं और इनका क्या मेन काम होता है? तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जिस्म के लंग्स हैं उनका जो मेन हिस्सा बनाती हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो सरफस होती है ह्यूमन के अंदर, तो स्टूडेंट्स वो एल्वियोलाई क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं एल्वियोलर डक्ट्स का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। यहाँ पे आपको क्लस्टर ऑफ पाउचेस जैसे कि छोटी छोटी थैलियां, खाली थैलियां, सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अब स्टूडेंट्स, ये काफी सारी होंगी तो इनको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। और अगर ये एक स्ट्रक्चर होगा, हम एक पाउच लेंगे, एक सैक लेंगे, अ सिंगल पाउच लेंगे स्टूडेंट, अ सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर अगर हम लेते हैं तो स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो उस सिंगल को हम बोलेंगे एल्वियोलस, एल्वियोलस। अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज एल्वियोलस, इसके बारे में भी अब मजीद आगे डिस्कस करते हैं कि एल्वियोलस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एल्वियोलस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल का बना होता है। सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल इसके अंदर मौजूद होती है। अब स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं इनका क्या काम होता है, अब यहाँ पे इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो जितने भी किस्म के स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं ये एयर पैसेजवे के पार्ट्स हैं। अब हम देखेंगे कि इन सब का क्या काम होता है, इन सब का मेन फंक्शन जो है इसके अंदर, अब एल्वियोलस और एल्वियोलाई के अंदर जाके कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है वो भी अब इसके अंदर हम इसके मैकेनिज्म के अंदर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक और बात
बताता चलूं कि ये जो एल्वियोलस होती है, एक तो इसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं और दूसरे नंबर पे एल्वियोलस इज बाउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये जो एल्वियोलस होती हैं, दीज आर बाउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसके अंदर कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है वो सराउंडेड होता है, वो इसके ऊपर, इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर आप यहाँ पे और डायग्राम में भी देख सकते हैं। रेड कलर की जो आपको ट्यूब्स नजर आ रही हैं स्टूडेंट्स, ये जो रेड कलर की ट्यूब्स हैं, ये कैपिलरीज हैं जो जिसने इसको क्या किया हुआ है, सराउंडेड किया हुआ है, जिसने इसको घेरा हुआ है। तो अब स्टूडेंट्स बात करेंगे हम इसके मेन एयर पैसेज वे के मेन मैकेनिज्म के बारे में। यहां तक हमने एयर पैसेज वे के पार्ट्स देखे, तो अब हम बात करेंगे एयर पैसेज वे का जो मेन मैकेनिज्म है कि किस तरह से गैस जो होती है ऑक्सीजन गैस किस तरह से ह्यूमंस के अंदर जज़ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरह से ह्यूमंस के अंदर से क्या करती है, एस्केप होती है। तो सबसे पहले अब सारे स्टूडेंट्स को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर थ्रू नॉस्टिल्स के जरिए से, नेजल कैविटी के जरिए से जितनी भी किस्म की गैस होती है वो एंटर होती है। वो गैस एंटर होती हुई कहाँ पे आती है, वो गैस एंटर होती हुई फेरेंक्स के अंदर, फेरेंक्स से आगे लेरेंक्स के अंदर, लेरेंक्स से आगे स्टूडेंट्स ग्लोटिस, ग्लोटिस से होती हुई वो कहाँ पे आएगी स्टूडेंट्स, ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया से आगे वो जितनी भी किस्म की ऑक्सीजन गैस जो होती है वो आ जाएगी हमारे लंग्स के अंदर थ्रू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के जरिए। और जब वो ब्रोंकाई के अंदर आ जाती है तो आधी गैस यहाँ से लेफ्ट लंग के अंदर चली जाती है, लेफ्ट लॉब के अंदर, और आधी गैस राइट लॉब के अंदर चली जाती है। तो स्टूडेंट्स जब ये डिवाइड हो जाती है गैस जितनी भी किस्म की, तो आगे ये सारी की सारी गैस इन ब्रोंकाई से होती हुई ब्रोंकियोल्स के अंदर, और ब्रोंकियोल्स से होती हुई कहाँ पे आएगी, एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर, और एल्वियोलर डक्ट्स से होती हुई एल्वियोलाई के अंदर। तो एल्वियोलाई के अंदर ऐसा क्या काम होता है, और एल्वियोलाई और एल्वियोलस ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो इनके अंदर से ऐसा क्या काम होता है, किस तरह से गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसेस का कैसे ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, यहाँ से वापस आती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जितना भी किस्म का, तो यहाँ पे आर्टरियोल्स, वेन्योल्स और इस और कैपिलरीज, थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। यहाँ से ऑक्सीजन गैस जब एल्वियोलाई के अंदर आती है तो यहाँ से जितनी भी ऑक्सीजन गैस होती है वो इन कैपिलरीज के रास्ते से आगे चली जाती है, आगे हमारे हार्ट के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, और बदले में यहाँ से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस इन कैपिलरीज के अंदर से क्या होता है, इन कैपिलरीज के अंदर ही एल्वियोलाई से जितनी भी किस्म की कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो ब्लड वेसल से क्या करती है, यहाँ से इन एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है, और यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसी प्रोसेस से, इसी पैसेज वे से होते हुए हमारी बॉडी से, नॉस्टिल से क्या करती है, बाहर चली जाती है। आपकी बुक के अंदर इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है। हमारी बॉडी के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, बात करते हैं हम अब इसके मैकेनिज्म की। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है तो स्टूडेंट्स ये हमारे हार्ट के साथ कनेक्ट होती है और ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर होती है पल्मोनरी आर्टरी, और इसके अंदर स्टूडेंट्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम बोलेंगे जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो स्टूडेंट्स ये जो कार्बन, ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके आगे मजीद जो जब ये लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरीज एंटर होती हैं, तो ये क्या काम करती हैं, आगे इसके आगे इससे मजीद ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं, और ये जो मजीद ब्रांचेस होती हैं ये आगे कनेक्टेड होती हैं आर्टरियोल से। तो जब स्टूडेंट्स ये इन आर्टरियोल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं तो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरियोल्स में आता है, और आर्टरियोल से ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है कहाँ पे, आगे इन आर्टरियोल से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मौजूद जितनी भी किस्म की कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो मूव करती है कैपिलरीज के अंदर।
अब कैपिलरीज के अंदर आगे क्या काम होता है, ये जो जितनी भी किस्म की कैपिलरीज हैं अभी मैंने आपको बताया, ये सारी की सारी कैपिलरीज एल्वियोलाई को सरराउंड कर रही होती हैं, इससे घिरी हुई लिपटी होती हैं इसके इर्द गिर्द। और स्टूडेंट्स इन एल्वियोलाई के अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं वेन्यूल्स। और स्टूडेंट्स ये जो वेन्यूल्स होती हैं ये आगे कनेक्टेड होती हैं पल्मोनरी वेन के साथ। जितनी भी किस्म की वेन्यूल्स होती हैं इनकी आगे मजीद ब्रांचेस एल्वियोलाई के अंदर मौजूद होती हैं, और लंग्स के अंदर अगर ये मौजूद होंगी तो उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। तो स्टूडेंट्स लंग्स के अंदर जो आर्टरी मौजूद होगी उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स के अंदर जो वेन मौजूद होगी उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। तो स्टूडेंट्स इस इन पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, इनके अंदर मौजूद होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जितना भी किस्म का और जितनी भी किस्म की ऑक्सीजन होती है वो इन पल्मोनरी आर्टरी से होती हुई ऑक्सीजन गैस मूव करती है पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी एंटर होती है लंग्स में, लंग्स से होते हुए आगे मजीद उसकी जो ब्रांचेस होती है आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स से वो गैस कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज से आगे वो गैस जाती है वेन्यूल्स के अंदर, वेन्यूल्स से वो पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको यहाँ से ऑक्सीजन गैस इस रास्ते से हासिल होती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आगे जितनी भी किस्म की गैस होती है वो क्या करती है, ये जो जितना भी किस्म का ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे पंप कर दिया जाता है हार्ट को, और हार्ट आगे इसको अब तमाम बॉडी के अंदर क्या कर देता है, पंप कर देता है। तो इस तरह से बदले में क्या होता है स्टूडेंट्स, जितनी भी किस्म की कैपिलरीज होती हैं इन कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। अभी आपको बताया पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर क्या होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसी रस्ते से इन एल्वियोलाई के अंदर आता है, एल्वियोलाई से होता हुआ एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर डक्ट्स से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लेरेंस, ट्रेकिया, लेरेंस, पेरेंस, और नेजल कैविटी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी से क्या करती है बाहर चली जाती है। तो आपकी बुक के अंदर ये सारा मैकेनिज्म डिटेल के साथ लिखा हुआ है, आप सारे स्टूडेंट्स वहां से इसको रीड आउट करें, और इसके बाद आपकी बुक के अंदर इस टॉपिक के हवाले से जो मेन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपकी बुक के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है टॉपिक का जो बोर्ड के एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स वो टॉपिक वो है एल्वियोलाई। व्हाट इज एल्वियोलाई? तो स्टूडेंट्स एल्वियोलाई के बारे में आपके बुक में लिखा हुआ है, और इस टॉपिक के मजीद शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपकी बुक के अंदर सारे उसके आंसर्स वन बाय वन मौजूद हैं, तो वहां से आप इस टॉपिक को रीड आउट करें। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे लंग्स के अंदर और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरह से हमारे लंग्स काम करते हैं और किस तरह से रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है वो वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक है आज का, तो इसके हवाले से आप हमारा चैनल जो है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे स्टूडेंट्स अभी इसको सब्सक्राइब करें, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को क्या करें फॉलो करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे लंग्स के बारे में और लंग्स के बारे में और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।